अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको बिन दाऊद स्टोर का विज़िट कराऊंगा, टूर कराऊंगा। ये एक काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइज है यहाँ पे सऊदीया में, काफ़ी ज़्यादा इनके स्टोर हैं और यहाँ पे हरम के पास दो मैंने इनका स्टोर देखे। ये अभी जिस स्टोर में मैं जा रहा हूँ ये इनका काफ़ी बड़ा स्टोर है और बिल्कुल हरम के सामने। मैं आपको लोकेशन वगैरह दिखाता हूँ। अच्छा, ये अभी हम गेट नंबर 84 के सामने खड़े हैं, ये देखें गेट नंबर है 84। ठीक है, मैंने जूम इन किया है 83 और 84। गेट नंबर 84 के बिल्कुल सामने की साइड पे ये बिल्डिंग है, एक ये मॉल है और इसके देख लें आप लेफ्ट साइड पे KFC है और राइट साइड पे नहदी फार्मेसी है। हम इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, ये मॉल का एरिया है, यहाँ पे अंदर चलते हैं और आपको पहले दिखाते हैं कि बिन दाऊद है कहाँ पे, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। ये देखें, ये सामने आ गया बिन दाऊद। अच्छा, इसकी एंट्रेंस जो है वो इस साइड से आपको अंदर लेके जाते हैं और आपको क्विक जो है वो स्टोर का टूर कराते हैं। डिफरेंट चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये फ्रूट्स का सेक्शन है, देखें कितनी अच्छी तरह पैकिंग करके इन्होंने फ्रूट्स वगैरह ये खजूरें वगैरह यहाँ रखी होती हैं। ये देखें हलाल, अगर आपने खाने हैं आप हलाल फ्लेवर में ये खा सकते हैं इजीली। नूडल्स डिफरेंट इसमें फ्लेवर्स हैं, चिकन का भी है, बीफ का भी है, वेजी भी है। ये देखें, ये जूस वगैरह का सेक्शन है, स्टारबक्स, उसके अलावा डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये कुछ स्नैक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे दूध हैं और लबान वगैरह है, लबान यानी दही को ये कहते हैं, दही की लस्सी वगैरह। मेरी जो फेवरेट है वो ये वाली है मैंगो, और ये जो है आप कह लें कि ये रेगुलर लस्सी। मेरे बच्चों को ये वाली पसंद है, डबल चॉकलेट, माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त फ्लेवर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका भी। अच्छा, यहाँ पे भी हैं, ये देखें योगर्ट्स वगैरह डिफरेंट फ्लेवर्स में। ये सेक्शन भी लबान्स का है, यहाँ पे नीडोज और डिफरेंट दूध वगैरह हैं ड्राई। ये हार्डवेयर का सेक्शन देखें, हार्डवेयर, ये सोप्स हो गए। ये देखें, अगर आपको स्लीपर्स वगैरह चाहिए वो आपको इधर यहाँ से मिल जाएंगे, सोप्स, शैम्पूस वगैरह, क्रीम्स वगैरह जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ इजीली मिल जाती हैं। अच्छा, चेयर्स वगैरह अगर आपने डोनेट करनी है यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर आपने हरम के लिए डोनेट करी है आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वो अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में जाएंगे वहाँ पे आपको अच्छी रीज़नेबल प्राइस मिल जाएगी। ये सामने वुमेंस का सेक्शन है, अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट आइसक्रीम्स वगैरह, स्नीकर्स, कॉर्नेटो, ये खजूर। अभी यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं क्या है। अच्छा, जैसे ही हम ऊपर आते हैं ये राइट साइड पे बच्चों का टॉयज़ का सेक्शन है,
व्हील चेयर्स वगैरह, सॉरी स्ट्रॉलर्स, ये देखें बच्चों की गाड़ियाँ, बच्चों को आप कह लें कि पागल करने वाली बात है अगर बच्चे यहाँ आए तो मेरे नहीं ख्याल से कि वो बाहर निकलेंगे यहाँ से जल्दी, इसलिए आप एहतियात करें बच्चों को यहाँ लाने से पहले। ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ टॉयज़ की। ये देखें ये बच्चियों के टॉयज़, ये देखें इसके अलावा ये एक, ये सामने का सेक्शन देखें, ये चाय वगैरह की चैनक्स वगैरह और ये डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे कपड़े हैं, अबाए हैं, ये आपको दिखा देते हैं, ये देखें माशाल्लाह काफ़ी नाइस चीज़ें हैं, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो ये देखें ये डिफरेंट खजूर वगैरह हैं, यहाँ पे भी अगर आपने गिफ्ट्स वगैरह करनी है उसके लिए देखें खजूर हैं। ये चॉकलेट्स का सेक्शन है, किटकैट्स, ये देखें ये सामने इनके काउंटर हैं। अगर आपने जमजम का पानी लेना है आप जमजम का पानी भी यहाँ से ले सकते हैं। ये मेरे ख्याल से तकरीबन 5 रियाल का यहाँ से मिलता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप एयरपोर्ट से ले लें, बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये देखें ये लेडीज़ का स्टफ, यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी लेडीज स्टफ, ये हेड एंड शोल्डर शैम्पूस वगैरह, यहाँ पे बैग्स वगैरह हैं, बैग्स का सेक्शन, व्हील्स वाले बैग, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट वैरायटी के बैग्स। ये सामने जो है कैशियर। अच्छा दोस्तों ये जायनमाज़ का सेक्शन है, यहाँ पे आप देखें इनके पास वाइट वैरायटी ऑफ जायनमाज़ है, बहुत ही प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत कलर्स हैं, आपको मैं क्विक दिखा देता हूँ। ये देखें हर किस्म की जायनमाज़ यहाँ पड़ी हुई है। ये देखें ये काबे का जैसा गिलाफ है उस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है। अच्छा यहाँ पे इस साइड पे एहराम है, जो मेंस के एहराम है वो यहाँ पे आपको इजीली मिल सकते हैं, जो भी साइज़ बच्चों का, बड़ा का, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ नहीं लेके आए बैक होम से और अगर आपको राइट वे चाहिए तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं। और ये एहराम की बेल्ट भी यहाँ पर हैं, ये देखें ये काफ़ी फ़ायदा मंद होती हैं, क्योंकि जो लोग बाहर ममालिक से आते हैं उनके लिए मुश्किल होता है एहराम को संभालना, तो ये बेल्ट जो है ये काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल हेल्पफुल होती है ऐसी कंडीशन में। आई थिंक ये 25 रियाल की यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये मशीन है इनकी स्कैन मशीन, अभी मैंने स्कैन करके चेक किया है। उसके अलावा ये बैग्स भी हैं, अगर आपने अपने पासपोर्ट और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ रखने हैं या कुछ पैसे वॉलेट वगैरह रखना है तो ये आप यहाँ से बैग भी ले सकते हैं, जो आप अपनी बैग के साथ जो है लटका सकते हैं। अच्छा ये भी कुछ जायनमाज़ हैं दोस्तों, इसमें ये जायनमाज़ ऐसी होती हैं कि अगर आपने टेक लगानी है तो आप इनके साथ टेक लगा के
बैठ सकते हैं, आपने नमाज़ पढ़ ली है, आप टेक लगा लें और आप इस तरह बैठ सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ और वैरायटी नज़र आई है एहराम बेल्ट्स की, और जो बैग्स आप अपनी कमर के साथ बांधते हैं, ये देखें ये बैग्स हैं इस साइड पे, और ये जो है एहराम बेल्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कुछ और वैरायटी है, अगर आपने वो चेक करनी हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एहराम की साइड पे हम दोबारा आए हैं, मैं अपने बेटे के लिए बटन वाले एहराम देख रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर एहराम जो है वो उससे संभालना नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इनके पास बटन वाले एहराम नहीं है। मैं आई थिंक जो पाकिस्तानी मार्केट की साइड का एरिया है वहाँ पे जाके देखूँगा कि अगर वहाँ पे हमें मिल जाएँ और अच्छी क्वालिटी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अमेरिका में काफ़ी महंगे पड़ते हैं बटन वाले एहराम, तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम यहीं चले लें। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेम्स हैं और ये आप देख लें तस्वीरें वगैरह हैं, ये डेकोरेशन वगैरह का स्टफ़ है, ये देखें अलार्म क्लॉक्स, ये देखें ये लेडी स्टफ, ये पानी की बॉटल्स अगर आपने हरम से पानी वगैरह रीफिल करना है, ये कुछ हेयर ब्रशेज वगैरह हैं, ये देखें ये भी पानी की बॉटल्स, कुछ वैरायटी इनकी देखें काफ़ी कलरफुल है माशाल्लाह, और ये देखें ये कितने कलरफुल बॉटल्स हैं। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक का स्टफ़ है, ये भी बॉटल्स, ये कुछ थर्मस वगैरह हैं अगर आपने चाय कॉफ़ी वगैरह बना के रखनी है, ये छोटी बच्चियों के लिए बैग्स और कुछ टॉयज वगैरह। चलिए दोस्तों अब हम कैशियर के पास आ गए, फिर आपसे मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।